जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 20 जून संडे, आज हूँ गंगा दशहरा, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, आज विश्व शरणार्थी दिवस, आज विश्व पितृ दिवस, मातृ दिवस हुए, पितृ दिवस हुए, सब दिवस आम पालन करूँ। पितृ दिवस पालन भी जो माने करिवा भी उचित, कारण पितृ होचंती जे कि तांग द्वारा ही, तांग थ्रुरे ही सृष्टि होइछि। माँ जन्म देले मध्य पितांग द्वारा ही, उभयंग द्वारा ही संभव होता है। पिता होचंती मध्य जीवंत भगवान, तांगु आज किछि उपहार दियंतु, तांग को सेवा भी करंतु, भल कथाबार्ता करंतु, पितांक सहित टाइम स्पेंड करंतु। आपणकर रवि ग्रह भी स्ट्रांग हेबे, और जो मानकर रवि ग्रह भलरे नथांती सेमाने पितृ सुख मिलि नथाए। जो मानकर जदि भी पिता नहांती, सूर्यनारायण को मरम पिता भावंतु, जहाँ को भी पिता फादरली फिगर भावुचंती तांक सहित आज कथाबार्ता करंतु। किछि भी नहांती जो मानकर, किछि दुख करंतु नाही, सूर्यनारायण होचंती भी पिता, परम पिता जे कि आमको बचाई आशीर्वाद दौरान, सूर्यनारायण को भी पूजा करूँ। आपण को रवि ग्रह आपणकर भी स्ट्रंग हम। आज चंद्रमा अच्छा कन्या राशि सकाल 7:41 पर्यंत, यापर आसीजे तुला राशि को, चित्रा कन्या चित्रा तुला को आसवे, संध्या 7:49 पर आसीजे स्वाति तुला। आज सूर्य उदय समय 5:08, सूर्यास्त 6:27, आज शुभ समय 6:57-9:36, गोटे 27-2:53, अपराह 4:38-4:45, संध्या 6:24-7:50। आज राहु काल दिन 4:45-6:24, काल बेला 11:48-2:27, पार बेला 10:09-11:48। ये समय शुभ कार्य करंतु नहीं। आज जो मानकर जन्मदिन, ईश्वर आपण को कल्याण करंतु। आपण सर्वदा महादेव को, कृष्ण भगवान को पूजा करंतु, आपण को कल्याण प्राप्ति हम। आज जो गंगा दशहरा अच्छी, ये दिन में गंगा माता धरा पृष्ठ को आसी, जे कि भागीरथी गंगा माता को आनी, गंगा माता जिते धरा को आसिले बहुत बाट दे देकी आसिले, जिते धरार आसिक पड़े से पाताल को पलिजे एका थे, आकाश रु आसला रु जदि जो फोर्स जलर फोर्स पाताल को पलिजे, तेणु गंगा माता कहले मत धरी रखापी कि शक्ति दरकार, ना पाताल को पलिजी। से भागीरथी महादेव को पूजा करके संतुष्ट करते, महादेव तांक जटारे गंगा को स्थान दे, जटारु बही जोटा कि सेठू बहिकी चारिड़ को पृथ्वी जाइपाई कि जटा हूँ कहा जाए जे हिमालय, हिमालय रु गंगा माता आसी, हिमालय हूँ जे कि महादेव स्थान, महादेव था हिमालय पहाड़ रु गंगा माता आसी। आज गंगा जल रे देवदेवी को स्नान करंतु, पवित्र गंगा हूँ सर्वदा पवित्र, ये जल रे निजे स्नान करंतु, देवदेवी को स्नान करंतु, जो गच्छ लगे गच्छ को मध्य गंगा जल अर्पण करंतु, घर द्वारा छिंचंतु, पवित्र हम गंगा जल को एक पात्र रे रखिके दीप जलेकी गंगा को आरती करंतु, पूजा करंतु। कारण गंगा कूल को जाकि आरती करिबा पॉसिबल नुहे, एणु गंगा जल एक पात्र रे रखी तादर चंदन दियंतु, फूल दियंतु, धूप दीप देकी ओम गंगा देवी स्वाहा ये मंत्र जप करके सब जहाँ भी अर्पण करूँगी करूँ, दीपटी आज गंगा माता को अर्पण करूँ। कौन सी कार्य करिबा पूर्वर निश्चय चाहती सफलता मिलू, से कार्यटी सफलता मिलिबो आपण को, से कि आम देवदेवी को मध्य पूजा करूँ, गुरुजन का आशीर्वाद नेबे, देवदेवी को पूजा करिबे, आउ सबुठ इम्पोर्टेंट हैला काम को श्रद्धार सहित करिबे, भगवान को समर्पण करके करिबे, काम आहुरी भल हम, अनेक बाधा विघ्न दूर हम। कौन सी कार्य करिया पूर्वर फास्ट हूँ गणेश भगवान को गोटे नड़िया बसई देकी दीपटे जाड़ीदे, गणेश भगवान को ठारो आशीर्वाद नेबे, तापर अन्य देवदेवी को नेबे, किंतु कार्य
हासल हाबापी आग को बढ़ापी खाली भगवान का आशीर्वाद पूजा करदे हेनी निजे भी एफर्ट दबाक अच्छी से आपण की ठीक हो ना से भी दरकार स्टिल सब भी अच्छी आपण को करें कि अच्छी आपड़ ड्यूट हिसाब से करनी किसी फल आशा करूँ ना बेस्ट एफर्ट दिंतु भगवान का आशीर्वाद नियंतु गुरुजन का आशीर्वाद नहीं कार्य करूँ किंतु आज मुझे रविवार स्पेशल कहबी कम सफल होगापी कि तिथि अनुसार जदि को देवदेवी को पूजा करेंगे आज धर आपण प्रतिपदा अच्छी किंतु से कमटा आज प्रतिपदार अच्छी एकादशी अच्छी तृतीय अच्छी से कमटा से दिन में को देवता स्ट्रंग था तांकर आशीर्वाद नहीं कि काम कले अधिक लाभ हुए यह सब नहीं कि तिथि अनुसार कार्य सफल केमती हम मेष राशि आपण आज बहुत भल दिन अच्छी खुशी रे एनर्जेटिक रे प्रोब्लेम सर्ट आउट हो किसी कम आग को हम खाद्य भी भल मिल पर बहुत सपोर्ट मिल पारिवारिक लाइफ बहुत भल र जदि प्रतिपदा अच्छी प्रतिपदा दिन आपणकर काम किसी अच्छी आपण महादेव को अरख फूल गुड़ गंगा जल अर्पण करके कार्य करूँ काम अनेक बाधा विघ्न दूर हम सफलता आड़क जी वृष राशि आज टी केयरफुल रुंतु हेल्थ इश्यू हो पाए कि कौन से व्यक्ति विरक्त करपारती कम को छोट छोट कम को सजाड़िया पड़ो बहुत बिजी रे कौन व्यक्ति आपण सहित कले झगड़ा हो पाए केयरफुल रुंतु अनेसरी कथार पशंतु ना निज कम को करूँ एनर्जी को नेगेटिव दिगरे दिंतु ना जदि द्वितीय तिथि अच्छी आपण चाउल हलदी को गोले देवे गाई को खाइबा को देवे गोमाता को पूजा करेंगे किसी घास कि शेबे दे कि गोमाता को पूजा करके आपण जो कार्य अच्छी से विषय माँ को कहे शिव मंदिर में बासुआ भगवान को दुब अरुआ चाउल दे कि कान कहीदे मिथुन राशि आपण आज बहुत भल अच्छे रोमांटिक रे म्यूजिक शुणा आपण आज एंटरटेनर अधिक आग्रह आसब पेरेन्ट्स मैंने पिला सहित भल टाइम स्पेंड करेंगे खुशी रे आपण आज बहुत भल दिन अच्छी किसी कम सुरखुरी जदि तृतीय तिथि अच्छी आपण किसी इम्पोर्टाट कम करने को होम करदिंतु कम अनेक बाधा विघ्न दूर हम कर्कट राशि आज निज अनुसार काम करेंगे घर भितर रे घर सजाड़ा घर कम रे खाइबा खुआवा आज बहुत होमली लाइफ रे बिजी रही आपणकर गाड़ी भूमि संबंधित आज किसी चिंता करेंगे जदि चतुर्थी तिथि अच्छी गुड़ 108 दुब गणेश भगवान को आ नड़िया कि लड़ू गणेश भगवान को अर्पण करी आपणकर काम आरंभ हो नड़िया टे बसई दिंतु स्पेशली ये सब अर्पण करी गणेश भगवान को आपण पूजा करूँ आपणकर काम भलरे भलरे सिंह राशि आपण आज किसी नुआ कंटाक्ट मिल कम भलरे फोन रे बहुत समय जीव फोन द्वारा कम हम एनर्जेटिक रे कौन काम को भलरे करने इंटरेस्ट देवे आज बहुत बढ़िया एंजय करेंगे संडे को मध्य पंचमी तिथि जदि होइजी आपण सरस्वती माँ को स्पेशली पूजा करंतु सर्पदेवता महादेव पाखे सर्प चढ़ेकी पूजा कर दिंतु अनेक बाधा विघ्न दूर हम कन्या राशि आपणकर आज सिचुएसन चेंज हो जाए बहुत कम करेंगे खावा पीवा बनइबे अन्य मानक आज कह बुझाक पड़ा आज चिड़ी भी जापारती कौन कथा को लेकिन आज व्यस्त हम तो आपण माइंड बहुत अनेसरी कथा आज माइंड को आसब जदि षष्ठी तिथि अच्छी कार्तिकेय भगवान को स्पेशली पूजा करूँ आ ग्राम देवती को मध्य श्रृंगार जिनस अर्पण कर मार्जना करूँ काम आपण भलरे भलरे तुला राशि आपण आज रिलैक्स रे शांति शोबे कम हम आज कौन मैटर सर्ट आउट हो खुशी रे विश मिल आज आपण बहुत भल दिन अच्छी जदि सप्तमी तिथि अच्छी
ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିକି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅତି ବଡ଼ କାମ ଅଛି ଗାୟତ୍ରୀ ହୋମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ପୂଜା କରିକି କାମ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଜି କୌଣସି ଜିନିଷ ହଜି ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏକୁଟିଆ କାମ ହିଁ କରିବେ, ନିଦ ବି ଠିକ୍ ହେବନି। ହେଲ୍ଥର ଟିକେ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିକୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ କରିବେ ଆପଣ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଅଛି ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତସତୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାମ ଭଲରେ ହୋଇଯିବ। ଧନୁରାଶି ଆପଣ ଆଜି ପବ୍ଲିକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଭଲ ରହିବ, କୌଣସି କାମକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବେ, କରିଥିବା କର୍ମର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ, ଆଉ ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ବାହାରୁ ଆଜି କିଛି ଲାଭ ବି ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଆଉ ନବମୀ ତିଥି ଯଦି ଅଛି ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶାଲି ବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କାମରୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ମକର ରାଶି ଆପଣ ଆଜି ଘରେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବେ, ପେଣ୍ଡିଂ କାମକୁ କରିବେ, ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସରେ କିଛି କାମକୁ ସଜାଡ଼ିବେ, କୌଣସି ହୋଇଯାଇଥିଲା କାମ, ପୁରୁଣା କାମ, ବାକି କାମ ଆଜି ବିଜି ରହିବେ। ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଟାଇମ୍ ବି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ପର୍ସନାଲ୍ ୱାର୍କରେ ବେଶୀ ବିଜି ରହିବେ, କିଛି ସଦା ସୁଯୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଦଶମୀ ଅଛି ଆପଣ ଭୈରବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଏକାଦଶୀ ଯଦି ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ମିଠା ଫଳ ପ୍ରସାଦ ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁକି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ପୂଜାପାଠରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, କାମ ଆଜି ଭଲରେ ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଯିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି। ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଅଛି ଲେମ୍ବୁ ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଯଦି ଅଛି ଭୈରବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲି ପୂଜା କରିବେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେବଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ବି ପାଠ କରିବେ। ମୀନରାଶି ଆପଣ ଆଜି ଚେଞ୍ଜ ହେବେ, କୌଣସି କଥା ଜାଣିବେ, ହେଲ୍ଥର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବାରେ ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, ଅନେସେରୀ କଥାରେ ଫସିଯିବେ, ଆପଣ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅଛି ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ପୂଜା କରିକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ବି ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ପୂଜା କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯେବେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି କ୍ଷୀର, ଗୁଡ଼, ଉଖୁଡ଼ା, କିଛି ଚାଉଳ, ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ, ଏହିସବୁ ଶୁଭ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଫୁଲ, ଫଳ, ନଡ଼ିଆ, ଏହିସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନମସ୍କାର କରିକି କଏନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ ସେଠି ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବି ଦୂର ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।